कह सकते हो आपकी साइड इंजीनियर से आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, किस तरीके से आपको आसानी से टेंडर मिल जाएगा, किस तरीके से आप क्लाइंट से डील करोगे, कैसे आप ड्राइंग पास करवाओगे, कैसे आप प्रोजेक्ट को फाइनल करवाओगे, कैसे आप लोन रेस करवाओगे अपनी बिल्डिंग्स का, जो भी आप बिल्डिंग काम करोगे, किस तरीके से कॉन्ट्रेक्टर से पेमेंट देना है या लेना है, पूरी गवर्नमेंट की बिलिंग कैसे होती है, कैसे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होता है, किस तरीके से हम पूरा का पूरा 3D मॉडलिंग करते हैं, कैसे एनिमेशन बनाते हैं, डिटेल करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरु जी के साथ। कॉलेज में पढ़ते वक्त हर एक इंजीनियर का ये सपना होता है कि उसके नाम की कंपनी, वो किसी कंपनी को स्टार्ट करे और वो बुलंदियों के चरम सीमा तक पहुंचे, उस ऊंचाइयों तक पहुंचे जहां सापुरजी पालनजी और L&T जैसे कंपनियां हैं, टाटा बिरला की कंपनियां हैं, उस लेवल तक पहुंचना हर एक इंजीनियर चाहता है। लेकिन कॉलेज खत्म होते ही उसमें एक टैग लगता है जिसको बोलते हैं फ्रेशर, और वो फ्रेशर का टैग बेचारा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक गवर्नमेंट की तैयारी करता है, तब तक वो टैग लगे ही रहता है, जब तक कि उसे इस इंडस्ट्री पे पहला ब्रेक दैट इज कॉल्ड फर्स्ट जॉब नहीं मिलता, तब तक वो फ्रेशर का टैग नहीं हट पाता। और 4-5 साल गवर्नमेंट की तैयारी करने के बाद जब वो कॉर्पोरेट सेक्टर पे आता है तब वो अपने करियर को स्टार्ट ही नहीं कर पाता। इसके पीछे का रीजन ऐसा समझ सकते हो कि 5 साल तक गवर्नमेंट की तैयारी किए, माइंड में था एक बड़ा गवर्नमेंट का पोस्ट, लेकिन कॉर्पोरेट में तो स्टार्ट जीरो से ही करना होगा हमेशा। वो स्टार्टिंग सैलरी कुछ मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़ के इस पूरे इंडस्ट्री की बेसिक सैलरी 10 से 15 हजार रुपए फर्स्ट जॉब एज अ फ्रेशर, लेकिन इंजीनियर यहां से अपना करियर स्टार्ट ही करना नहीं चाहता और कहीं से जुगाड़ लगा के किसी से अप्रोच लगा के और एक जॉब वैकेंसी को फॉलो करते करते उसके तैयारी करता है और जाके उस इंटरव्यू को दिलाता है। और बड़े से ऑफिस में इंटरव्यू होती है, हर जगह सेंट्रल AC लगा हुआ है, सबके लिए पर्सनल केबिन बना हुआ है, ऑफिस जाता है, ऑफिस में हर एक तरीके का सिस्टम लगे हुए हैं और ऑफिस में उसका सिलेक्शन होता है और उसको पोस्ट दिया जाता है फील्ड पे। नेक्स्ट डे की प्लानिंग होती है, नेक्स्ट डे ऑफिस जाना है जॉब करने के लिए, मस्त चमचमाती हुई ऑफिस होगी, जाएंगे अपना ब्रीफकेस रखेंगे, लैपटॉप खोलेंगे और काम करेंगे। यही सपना पूरे इंजीनियरिंग सोचता है और यही सपना सोच के वो फर्स्ट डे जॉब में जाता है और साइट में मिलता है उसको धूल भरी हुई ऑफिस और टीन सेट लगा हुआ एक शानदार तपता हुआ गर्मी से धूप में एक केबिन, और उस केबिन में भी 8-10 लोग एक साथ बैठते हैं, सुपरवाइजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, स्टोर इंचार्ज, सब एक ही साथ एक ही जगह बैठते हैं। कमेंट पे नीचे जरूर बताना कि आपने जैसा ऑफिस सोचा था क्या वैसा ही ऑफिस आपको साइट पे मिला या आपका ऑफिस साइट पे कैसा है, नीचे कमेंट में जरूर बताना यार। मैं लगभग हर एक कमेंट को पढ़ता हूं, जो भी आपकी प्रॉब्लम, जो भी आपके सजेशन होते हैं हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और जो प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर सके हम उसी कमेंट पे सॉल्व करते हैं। तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपका ऑफिस आपके साइट पे कैसा है। और वो अपना फ्रेशर का टैग हटा के करियर स्टार्ट करता है, कुछ लंबे समय काम करने के बाद भी उसे लेबर संभालने से ज्यादा और कुछ नहीं सीख पाता साइट पे, क्योंकि साइट पे वही सीख सकता है ना जो साइट पे हो रहा होगा, वो कुछ ऐसा तो नहीं सीख पाएगा। यदि वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में है तो गवर्नमेंट के रूल सीखेगा, प्राइवेट प्रोजेक्ट में है तो प्राइवेट के रूल सीखेगा, यदि किसी दूसरे और किसी थर्ड पार्टी के पास है तो थर्ड पार्टी का जो पर्सनल रूल है वो वही रूल सीखेगा। उसको सीखना है सब चीज लेकिन आता है कुछ भी नहीं, और लेबर संभालते संभालते सपने बिखर जाते हैं, वो बड़ी कंपनी की सोच धराशायी हो जाता है और एक दिन सपना उनका निकल के कहता है कि पूरा करेगा या टूट जाऊं। और वो कॉलेज का हीरो, शानदार पर्सनालिटी का हीरो, गर्मी में काम करते करते तमिल मूवी का विलन बन जाता है। लेकिन अभी भी जो अंदर का जो सिविल इंजीनियर है वो बार बार निकल के बाहर आना चाहता है, लेकिन उसे मालूम ही नहीं कि वो वापस कैसे आए, वो वापस अपना वो हीरो हीरोपंती, वो एटीट्यूड, वो डिग्निटी, वो सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे गेन करे। क्योंकि ऑफिस में जाके करना क्या होता है, किस तरीके से करियर ग्रोथ किया जाता है, कैसे एक 10-12 हजार रुपए सैलरी से 50-60 हजार रुपए सैलरी तक पहुंचा जाता है, कम समय में कैसे अच्छा इनकम ग्रोथ डेवलप किया जाता है, ये कहीं सिखाया ही नहीं जाता, ना कॉलेज में सिखाया जाता है यार, ना जॉब में सीखने मिलता है, क्योंकि जॉब में वो सीखने मिलता है जो काम हो रहा है और जितने भी आपके अच्छे इंजीनियर हैं वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते, और कॉलेज में तो वो सिखाया जाता है जो साला जीवन पे कभी काम नहीं आने वाला। मैक्सिमम सिविल इंजीनियर तो यही सोचते हैं अपने पूरे करियर पे कि उन्हें लेबर ही संभालना है, प्रैक्टिकल वर्क ही करना है, फील्ड पे ही काम करवाना है, ब्रिक वर्क ही कराना है, हमेशा हमेशा लेआउट ही करवाना होता है, हमेशा लोहा सटरिंग ही काम करवाते रहना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता यार। सिविल इंजीनियर का स्टार्टिंग स्टेज है वो फील्ड वर्क, स्टार्टिंग स्टेज कह सकते हो कि 1 साल ज्यादा से ज्यादा, यदि 1 साल से ज्यादा आप फील्ड में रुक रहे हो मतलब आपकी तरक्की नहीं हो रही है, 1 साल से ज्यादा आप लेबर हैंडल कर रहे हो मतलब आपकी तरक्की कहीं रुकी हुई है, आपको सही गाड़ी चलाने नहीं आता। यदि आपको आपके घर से निकल के दिल्ली जाने पे 2 घंटा लगता है, यदि आपको आपके घर से निकल के दिल्ली जाने में 2 घंटा लगता है और कोई थर्ड पार्टी है जो जाना चाहता है दिल्ली, उसको रास्ता नहीं पता, उसको 2 दिन लग जाते हैं दिल्ली जाने में, वो हार्ड वर्क आपसे ज्यादा कर रहा है लेकिन सही डायरेक्शन पे नहीं कर रहा है। आपको जानकारी चाहिए कि कितनी जल्दी इस करियर पे अचीवमेंट मिलता है, कौन कौन से स्टेप लेके आप बहुत आसानी से अपनी कंपनी के मेन चेयर तक बैठ सकते हो, ये सारी चीजों की जानकारी सिविल गुरुजी आपको प्रोवाइड कर रहा है कि किस तरीके से आप बहुत ही सिंपल स्टेप से बहुत ही अच्छे टेक्निकल स्किल के साथ आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि इस जीवन पे मैक्सिमम सिविल इंजीनियरिंग को लोग यही समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लेबर संभालना, और 2-3 साल 4 साल का मेहनत करते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं
और सोचते हैं अब उस पैसे से जाके कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं। लोग जॉब छोड़ते हैं और जाके अपना कंपनी सेटअप के लिए 1,00,000 रुपए का मस्त चमचमाता हुआ ऑफिस सेटअप करते हैं, और उस ऑफिस सेटअप करने से टेंडर नहीं मिलता। मैं फिर से बता रहा हूँ, यदि आपने 1,00,000 रुपए, 50,000 रुपए, 2,00,000 रुपए ऑफिस सेटअप में मार्केटिंग में खर्च कर दिया, उससे टेंडर नहीं मिलता यार। आपको यह जानकारी होना बहुत जरूरत है कि किस तरीके से आपको टेंडर मिलता है, किस तरीके से आप उसे अर्न कर सकते हो। इस विश्व का रिकॉर्ड बताता हूं मैं आपको कि 90% स्टार्टअप पहले 1 साल में बंद हो जाते हैं। यदि 100 स्टार्टअप 1 साल में चालू हुए हैं तो साल अंत होने तक 90% कंपनियां बंद हो जाती है, और बचे हुए कंपनी के 90% अगले आने वाले 5 सालों पे बंद हो जाते हैं। क्यों? रीजन है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं होता काम करने का। मतलब यदि कोई काम एक तरीके से नहीं हो रहा है उसको दूसरे तरीके से करके देखो, हो सकता है होगा। दूसरे तरीके से नहीं कर हो रहा है उसको तीसरे तरीके से करके देखो, हो सकता है होगा। तीसरे तरीके से नहीं हो रहा है, हो सकता है चौथे तरीके से करके देखो, हो सकता है होगा। लेकिन लोग यहां काम के तरीके बदलने से अच्छा काम बदल देते हैं। जॉब करते हैं पहले, जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते, धंधा करते हैं, यहां के धंधे से सेटिस्फाई नहीं होते, फिर से जॉब करना चालू करते हैं, फिर से वहां सेटिस्फाई नहीं होते, फिर से धंधा करने आते हैं, फिर से यहां से लॉस होता है, फिर से जॉब करने चले जाते हैं, और यही रूटीन पूरी जिंदगी उनका चलाते रहते हैं। क्यों? सिंगल स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि सीखा नहीं है उन्होंने। एक दिल पे मानना होता है तो सिविल इंजीनियर, और जब तक यहां से आवाज ना आए ना, जब तक ये एटीट्यूड डेवलप ना करे कि आपके पास अब वो सिविल इंजीनियर का एटीट्यूड है जिससे आप ग्रोथ कर सकते हैं, तब तक आपको अपना काम नहीं स्टार्ट करना चाहिए। पैसे से धंधा नहीं होता यार, धंधा होता है रियल स्ट्रेटेजी से। टाटा, बिरला, अंबानी, ये सारे के सारे आपके सामने एग्जांपल है, ये जीरो से ही स्टार्ट हुए थे। पतंजलि जीरो से स्टार्ट हुआ था, सापुरजी पालम जी जीरो से स्टार्ट हुआ था, L&T जीरो से स्टार्ट हुआ था। सबका हिस्ट्री पढ़ो जाके आप, हर एक कंपनी जितने को आप जानते हो, जोमेटो, स्विगी, ओयो, उबर, सिविल गुरुजी, ये सारी कंपनियां जीरो से स्टार्ट हुई हैं। आज करोड़ों का टर्नओवर है इनका। इसलिए नहीं कि वो पैसा से बिजनेस बढ़ा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन को। वो अपने अपने डिवीजन पे जो उसके डिवीजन का रिक्वायरमेंट है, जो उस इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है, रियल रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और यही प्रॉब्लम सॉल्व करके सिविल गुरुजी पिछले 2 सालों पे इस लेवल पे आ गया कि आज 7 कंपनी पे अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया तो इंडिया, नेपाल तो है ही, साथ ही साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दुबई, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सारे देश के जो सिविल इंजीनियर या तो वो हिंदी बोलने वाले होते हैं या हिंदी बोलने वाले देशों से होते हैं, वो सिविल गुरुजी का सर्विस ले रहे हैं और लर्न करके अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं। नीचे कमेंट पे लिखो कि आप किस देश से बिलोंग करते हैं और आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं, आपका ड्रीम क्या है, आप किस विश्व के किस ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, और वहां पहुंचने तक सिविल गुरुजी आपकी जिस भी तरीके से हेल्प कर सकता है आपको हेल्प जरूर करेगा। नीचे कमेंट पे लिखो कि आप क्या बनना चाहते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सा कोर्स परचेस करना चाहिए। तो आप जिस फोन से मेरा ये वीडियो देख रहे हो वो फोन का कॉस्ट कितना है, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 40,000, ये भी कमेंट पे लिखना कि आपके फोन का रेट क्या है, किस रेट के फोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो, और 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके जो आपने फोन लिया क्या वो आपके करियर को चेंज कर सकता है। लेकिन डेफिनेटली मैं बता रहा हूं कि 8,000 रुपए का कोर्स लेने से आपका करियर चेंज हो जाएगा। चेंज मींस आपके एनर्जी अंदर का जो इंजीनियरिंग है, आपके अंदर का जो सिविल इंजीनियरिंग का एटीट्यूड है वो निकल के बाहर आएगा और आपको मजबूर करेगा इस इंडिया को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर का नॉलेज देश के काम नहीं आएगा तब तक वो नॉलेज का कोई यूज नहीं है। इसलिए सिविल गुरुजी हर एक लेवल पे चाहता है कि आपको उस लेवल तक डेवलप करे जिस लेवल तक आपका सपना है। दोस्तों सिविल गुरुजी आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया है, उस वेबसाइट पे जाइए, उस वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए, बहुत सारे कोर्सेज फ्री है, उस फ्री कोर्सेज को पढ़िए। कैसे आप अपनी लाइसेंस बना सकते हैं, किस तरीके से आपको रिज्यूम बनाना चाहिए, किस तरीके से यूनिट कन्वर्जन होता है, किस तरीके से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स को सिखाया जाता है, उसका डेमो कोर्स अवेलेबल है वहां पे। बहुत सारे छोटे छोटे, मतलब आपके चाय नाश्ते के खर्चे पे 100, 150, 200 रुपए पे वो छोटे छोटे कोर्सेज अवेलेबल है। और जो मेन कोर्स है सिविल गुरुजी का, मेन रेसिपी, दैट इज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स, जाके नीचे लिंक है वहां से जाके सीखिए। और सिविल गुरुजी ने लॉकडाउन पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स का फीस, मैं आपको बता दूं, 35,400 रुपए जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स का फीस है, एक्चुअल फीस जो हम ऑफलाइन में चार्ज करते हैं, दैट इज 35,400 रुपीज, और इस लॉकडाउन के सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए में आपको प्रोवाइड कर रहा है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स, जिसमें पूरी इंजीनियरिंग की प्रैक्टिकल नॉलेज भर के रखी हुई है। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी हैं YouTube चैनल पे, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं, और नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे जाइए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके करियर को 4 चांद लगा सकता है। सिविल गुरुजी का मेन रेसिपी मैं आपको बताऊं कि जो हम फीस लेते हैं ऑफलाइन में, जो हमारा फीस होता था वो 55% फीस आफ्टर प्लेसमेंट होता था। मतलब कि आपको आपका 55% फीस, दैट इज 17,000 रुपीज, आपके प्लेसमेंट के बाद पे करना है। दोस्तों ये लास्ट ऑफर है, 7 जून तक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स को 8,000 रुपए में ही आपको दिया जा रहा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको नीड है
चीज को सीखने का। आप जब तक सीखोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये ऑफर जो कि 8,000 रुपए इस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स को दिया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 7 जून तक ही वैलिड है। 7 जून के बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स की फीस होती थी, और इसमें एक और कोर्स ऐड कर दिया जाएगा जो कि एड ऑन होगा, एक्स्ट्रा पेबल होगा, दैट इज टेंडरिंग। अलग से आपके लिए कोर्स लाया जा रहा है, 7 जून की उसकी लॉन्चिंग ऑफर है। आपको यदि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स खरीदना है तो यही समय है, यही सही समय है कि आप जाइए और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो कोर्स ऐसा है जिसमें कि पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग, कह सकते हो आपकी साइड इंजीनियर से आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, किस तरीके से आपको आसानी से टेंडर मिल जाएगा, किस तरीके से आप क्लाइंट से डील करोगे, कैसे आप ड्रॉइंग पास करवाओगे, कैसे आप प्रोजेक्ट को फाइनल करवाओगे, कैसे आप लोन रेज करवाओगे अपनी बिल्डिंग्स का, जो भी आप बिल्डिंग काम करोगे, किस तरीके से कॉन्ट्रेक्टर से पेमेंट देना है या लेना है, पूरी गवर्नमेंट की बिलिंग कैसे होती है, कैसे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होता है, किस तरीके से हम पूरा का पूरा 3D मॉडलिंग करते हैं, कैसे एनिमेशन बनाते हैं, डिटेल में पूरा का पूरा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में दिया गया है। इस कोर्स एडवर्टाइजमेंट हम इसलिए सबसे ज्यादा करते हैं क्योंकि इस कोर्स के अंदर टेप पकड़ने से लेके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक का पूरा डिटेल अवेलेबल है। मतलब कि कैसे टेप पकड़ना है, कैसे यूनिट कन्वर्जन होता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे एरिया वॉल्यूम रनिंग मीटर कैलकुलेट करते हैं, और पूरी की पूरी गवर्नमेंट नॉर्म्स, CPWD के नॉर्म्स, पूरे के पूरे IBC के नॉर्म्स, किस तरीके से IS कोड को रीड किया जाता है, कैसे उसको समझा जाता है, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है अपनी लाइफ में, सारा डिटेल पे अवेलेबल है पूरे सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ। और वो पूरा का पूरा कोर्स 2 साल तक आप अवेलेबल है, या 2 साल तक उसको जब चाहे तब पढ़ सकते हैं एक बार सब्सक्राइब करने के बाद। जिस दिन से आप सब्सक्राइब करेंगे 2 साल तक आप जितने बार उसको रिवाइज करना चाहते हैं एक कंप्लीट कंटेंट के साथ। और उस कोर्स में आपको डेली लाइव सपोर्ट दिया जाता है, डेली हर दिन आपके लिए एक लाइव सेशन रखा जाता है जिसमें डाउट सेशनिंग होता है, 1 घंटे का लाइव सेशन, जिसमें हर दिन एक नए ट्रेनर आके आपको आपके डाउट को क्लियर करते हैं। यदि आपको इसी तरीके से और भी कुछ ट्रेनिंग लेना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहां से जाने का नहीं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को जरूर दबाना। उसी जोश के साथ कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। करना है खास तो चलो हमारे साथ।